दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल रविवार को हापुड़ के एसएसवी पीजी कॉलेज पहुंचे और मधुसूदन दयाल संपादक की 18वीं पुण्यतिथि पर अमृत महोत्सव और पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान गणतंत्र को मजबूत करने वाला स्तंभ है। पहले तो मैं आज यहाँ जो हापुड़ में आया हूँ मधुसूदन दयाल संपादक जी के 18वें पुण्य उत्सव पर इस कार्यक्रम में आया हूँ और मुझे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि किसान की बात करने वाले, शिक्षा की बात करने वाले, गांव के मजदूर की बात करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। और गणतंत्र है देश में, लोकतंत्र है, और किसान उस लोकतंत्र को, गणतंत्र को मजबूत करने वाला एक सबसे बड़ा स्तंभ है। किसान खुद पसीना बहा के खेती करता है और अपने बेटे को पढ़ा के मजबूत करके उसे देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। उस किसान की बात सरकार को सुननी चाहिए। ये जब हम गणतंत्र का उत्सव मनाएं तो उस वक्त हमें ध्यान रहना चाहिए कि वो किसान, हजारों लाखों किसान देश के, अपनी मेहनत की, मजदूरी की मांग के लिए बैठे हैं। इस गणतंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनकी आवाज़ सुनी जाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। यूपी में अभी तो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं तो उन्होंने कहा था भी हमने स्कूल अच्छे किए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने जब हमने कहा था उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं है, हमने यहाँ बहुत काम कर लिया है और आप कभी भी बहस कर लीजिए, हमारे स्कूल देखने आइए। जब मैं स्कूल देखने पहुँचा तो उन्होंने पुलिस भेज के रुकवा दिया। वो एक स्कूल नहीं बता पाए मुझे जिसको मैं कहूँ कि वो देख लें, तो क्या होता तो दिखाते जरूर। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया।